वेलकम बैक एवरीवन। 6:49 हो रहे हैं। मैं मलाड से बोरीवली जा रहा हूँ, फिर बोरीवली से विरार। वेलकम बैक। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। 8:11 हो रहे हैं, मैं कॉलेज आ चुका हूँ टमटम से, और आई हेट टमटम बाय द वे। टमटम मेरे को ज़रा भी पसंद नहीं है। तो 25 डिग्रीज है विरार में, मस्त ठंडा ठंडा लग रहा है, फॉगी फॉगी अभी राइट नाउ, सुबह इसीलिए। दोपहर को तो भाई बहुत गर्मी होने वाली है, कल भी बहुत गर्मी हुई थी, परसों भी गर्मी हुई थी। वो बाय द वे बहुत टाइम बाद मिल रहे, लास्ट व्लॉग कुछ 4 से 5 दिन पहले आया था, क्योंकि तो मैं जब कॉलेज आता हूँ तभी व्लॉग करने का मन होता है, नहीं तो दिन तो ऐसे ही निकल जाता है फिर। बाकी वेदर बहुत सही है आज, वेदर बहुत ही सही है। 23, 24, 25 डिग्रीज है अभी राइट नाउ। दिखा, और बाकी वर्कशॉप के सर आए नहीं अभी तक, मेरे को चाबी का जुगाड़ करना पड़ेगा किसी से। मैं पूछता हूँ किसी के पास है तो एंट्री करके ले लूँगा मैं, और खोलते हो जाके बैठता हूँ फिर ऊपर। वर्कशॉप बंद है अभी। तो वेलकम बैक एवरीवन। टाइम हो रहा है 8:29। सर अभी अभी आए, सर ने दरवाज़ा खोल दिया। अराउंड 7:45 को उतरा था मैं विरार स्टेशन, और 8 बजे तक आ गया था मैं। इतनी भगा भगा के जो चला रहे थे वो टमटम वाले, हाँ सर आराम से आते हैं 8:30 को। सर का यूजुअल टाइम यही है, सर ने मेरे को बोला था 8:20, 8:30 के बाद ही आते हैं हम, आप भी तभी आओ। पर फिर बाद में ट्रेनों में गर्दी हो जाती है, टमटम में गर्दी हो जाती है, शांति से मतलब दिमाग ख़राब हो रहा था, इसलिए मैं जल्दी आ रहा था। और ये उस दिन जो फायरवॉल काटा था, फायरवॉल काट के इसके नीचे रखा है क्योंकि वो बेंड हो गया था, स्ट्रेट नहीं था वो। तो अब आज का डे स्टार्ट करते हैं। टीममेट्स भी आए थे अभी, उनका मैसेज आया था। वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। 21 मार्च आ गई, अभी 14-15 मार्च चल रहा था मैंने लास्ट व्लॉग जब बनाया, और अचानक से 21 मार्च भी आ गया। सही है, मतलब मैंने फरवरी से मार्च तक बहुत कुछ सीखा मैंने, अभी जितनी भी वीडियोस बनाई हैं मैं सीख ही रहा हूँ, डेली सीख रहा हूँ। हर एक वीडियो डालते टाइम एक कॉन्फिडेंस रेज होता है थोड़ा थोड़ा, कि मैं बोल सकूँ कैमरे के सामने, फिर एडिटिंग भी अच्छी कर सकूँ, कुछ नया कर सकूँ हर वीडियो में, और जो बी रोल सीन्स होते हैं मैं वो भी ट्राई करता हूँ कि नए नए लूँ। बस तो फिर बैठते हैं अभी, और धूल धूल हो चुकी है हर एक सीट पर। हाँ मैंने पहले भी बताया, क्योंकि यहाँ पर जाली लगी है और कोई ग्लास कुछ है नहीं, तो धूल हो जाती है जब भी हम आते हैं वापस वर्कशॉप पे। बाकी दिस वीक इज़ गोना बी क्रूशियल, आज मंडे है, क्योंकि 6 तारीख को इवेंट है, 6 अप्रैल, 4 को हम निकलेंगे। 21 मार्च चल रहा है अभी, और हमारी गाड़ी असेंबल होनी बाकी है, खाली असेंबल, पार्ट सारे रेडी है, बस जोड़ना है, सबको एक साथ लगाना है। मैं लगातार 3 मिनट कंटिन्यूसली बोल चुका हूँ अभी तक, आई कैन सी राइट हियर। और बस फिर आज देखते हैं, अभी जो भी होगा मैं सब बताऊँगा, रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं। तो
8:34 हो गए, मैं सेटल हो चुका हूँ। तो जब मैं घर पे होता हूँ मेरे को व्लॉगिंग करने का मन नहीं करता, क्योंकि ज़्यादा कुछ होता नहीं है, दिन निकल जाता है बस फास्ट एकदम फटाफट। और जब मैं कॉलेज आता हूँ तभी ऐसा लगता है कि व्लॉग बनाना चाहिए, क्योंकि कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है, मेमोरीज क्रिएट हो रही। बस अब इंटरेस्टिंग ये होगा देखना कि जो नीचे रोल केज पड़ा है पूरा खाली है, एकदम सोल की तरह है, सिर्फ आत्मा। अब उसमें बॉडी लगानी बाकी है, सारे ढांचे लगाने बाकी है। वो लगना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा देखना, मतलब उसे कि कैसे हमने एक एक छोटी छोटी चीज़ को बनाया, जो हमसे नहीं बना वो मशीनिंग के लिए बाहर दिया था हमने। ये भी नहीं कि पैसे दिए थे, हमने स्पॉन्सरशिप के लिए पूछा था कि आप करके दोगे क्या, हम आपका नाम यहाँ वहाँ स्टिकर लगा देंगे उसमें क्या। तो वो देखना इंटरेस्टिंग होगा, मैंने पहले कभी देखा नहीं है कि गाड़ी असेंबल कैसे होती है, चलेगी कैसे, और इसे चलाने बहुत मज़ा आएगा। तो बस बने रहो और देखते रहिए। 8:47 काम स्टार्ट हो गया। सीट के नीचे जो पाइप रखते हैं हम वो बना रहे हैं अभी, उस पर काम करेंगे। लेट्स गो, लेट्स गो। हाँ, तो ये जो दो पाइप हैं, ये चारों पाइप को इनके साइज़ का कट करना है। सीट के नीचे लगेंगे 101 mm है, तो मैं फटफट कट करता हूँ, फिर लेथ के ऊपर फिनिशिंग कर देंगे। तो मेजरिंग टेप मिल नहीं रही है, मैं मेजरिंग टेप नीचे से देख के आता हूँ। देख के आता हूँ नीचे के लिए। मेजरिंग टेप मिल चुकी है, नीचे वेल्डिंग रूम में थी। अब फटफट कट करते हैं। आज का वेदर बहुत सही है, मेरा मूड इतना सही है ना आज, आज तो आग लगा दूंगा, सब काम आज ही खत्म कर देंगे। लेट्स गो। पाइप दोनों पाइप के साइज के हो गए कट कर चुका हूँ, ब्लेड मशीन में जाके फिनिशिंग करना है प्रॉपर साइज बस। तो अरे घड़ी अंदर है, 10 बज चुके हो गए अभी तक। तो सीन ऐसा है कि लेथ मशीन के जो टूल होते हैं हमारे पास 3 थे, एक सर का था, 2 हमारे थे। तो अब एक सर का ही है खाली नीचे, बाकी 2 कहाँ रखे पता नहीं है, वो मैं ढूंढूंगा। या फिर एक नया टूल है, इसी को वापरना पड़ेगा। ओके। छः के 6 पीस रेडी है, नायलॉन भी रेडी है। ये सीट सीट का ढांचा है। 10:26 वर्क इज ऑन। वेल्ड टेस्ट करने के लिए रॉड, तो वेल्ड इंस्पेक्शन जो होता है कि वेल्डिंग कितने फोर्स को सह सकती है, कब टूटेगी, कितने फोर्स के बाद टूटेगी, उसके लिए रॉड है। यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पे टेस्टिंग करके वैल्यू रिपोर्ट निकालनी है, वो बाहर वालों को सबमिट करनी है। टेन फोर्टी एट गाइज,
बहुत सारा काम किया, थक गया अब मैं। सीट पे काम हो रहा है आज शायद से रोल केज को, मेरे को सुनने में आया कि रोल केज उठा के टेम्पो में डाल के लेके जाएंगे वेल्डिंग के लिए।